ये एक तरह का दीवानापन है क्योंकि मैं एल्प्स 41 में स्कीइंग किया करता था, लेकिन यहाँ तो एकदम अलग बॉल गेम है। हम बात कर रहे हैं उन पहाड़ों की जो कि 6 से 8 हजार मीटर ऊंचे हैं और दुनिया के 5 में से 4 सबसे ऊंचे पहाड़ यहाँ पाकिस्तान में हैं। बस एक मिनट और बचा। ओके ओके, उसके बाद हम लैंड करेंगे। ओके, हम अभी इस कारदू में उतरे हैं। ये करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत ही खूबसूरत दिन है और यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ कम है। और यहाँ एयरपोर्ट पर मेरी फेवरेट चीज है टूरिस्ट के लिए लगा हुआ, ये छोटा सा साइन बोर्ड। ट्विन टावर्स के उड़ाए जाने से पहले, लंदन के हमलों से पहले, दरअसल अलकायदा के दुनिया को थरथराने से पहले, ये जगह दूर से आने वाले सैलानियों के लिए एक जन्नत थी। अब समझ में आता है कि बिन लादेन अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। इस जगह का तो देखिए, उसे देखिए, वो तो फुल स्पीड पे जा रहा है। पता नहीं वो कैसे इतनी तेजी से ऊपर चढ़ गया, मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। आ रहा हूं। इस धरती पर मैंने जितनी भी जगह देखी हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस जगह पर कब्जा हुआ है। दरअसल अब यहाँ कोई भी सैलानी नहीं आते और यही जगह 80 के दशक में पाकिस्तान के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक हुआ करती थी। पर इसी घाटी में अब रहते हैं तालिबान और इस तरफ है कश्मीर जहां वो भारत से लड़ रहा है, और वहां उस तरफ बॉर्डर है अफगानिस्तान का। ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस जगह को अच्छा होना चाहिए, और ज्यादा अच्छा। और जिन लोगों ने इसे हॉस्टेज बनाया, उससे इन्हें हमें छुड़ाना चाहिए। जैसे शांग्रीला को ही ले लीजिए, एक 5-स्टार होटल जो पहाड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये पूरी घाटी की रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। सबसे ज्यादा नाउम्मीद तो इसके मैनेजर मिस्टर खान है, जिन्हें अपने 3/4 स्टाफ को निकालना पड़ा। तो यहाँ कौन कौन सी मशहूर हस्तियां आ चुकी हैं? देखिए, यहाँ सभी तरह के लोग आते थे, दूसरे खान्स और सभी राष्ट्रपतियों से लेकर हमारे वर्तमान राष्ट्रपति तक, मुशर्रफ भी, प्रधानमंत्री तक, वो भी यहाँ आते हैं ठहरने के लिए। बेनजीर भी यहाँ आई हैं। बेनजीर भुट्टो जी आई हैं, और राष्ट्रपति मुशर्रफ वहाँ ठहरते हैं। वहाँ वो राइट साइड में उनका कमरा जी? हाँ वही हरा वाला। अच्छा, कुछ और भी आते हैं आसपास के लोग, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। ये तो एकदम वैसा है जैसे सेंट्रल पार्क में बोटिंग करना। जानते हैं ये कैसा है? ऐसा है जैसे स्विट्जरलैंड ऑन स्टेरॉइड्स। जी हाँ, स्टेरॉइड्स पर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 9/11 के बाद क्या हुआ यहाँ? हमारे ज्यादातर होटल्स बंद होने वाले हैं। न सिर्फ होटल्स बल्कि टूर्स, टूर ऑपरेटर्स भी, उनके पास अब काम ही नहीं है। उन्हें बिजनेस ही नहीं मिल रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, काम बंद कर दें या कुछ और करने लगें, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट से तो कोई आमदनी है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग यहाँ के बारे में जानते नहीं, सोचते हैं क्या ये इंडिया है या ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान क्या है, मुल्ला है या तालिबान हैं या टूरिस्ट हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ पाकिस्तान के कुछ इलाकों में परेशानियां हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? लोग कहते हैं ओह तुम पाकिस्तान जा रहे हो, जैसे कि मेरी माँ है, कहने लगी ओह तुम कहाँ जा रहे हो, कि कहाँ जा रहे हो, वो तो रोने लगी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुरक्षित है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। अफगानिस्तान से सटे हुए कुछ नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के कुछ खास हिस्से हैं जहां पर कुछ दिक्कतें हैं। हम उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिरगाज और बैठकों की कोशिश से, समझौते पर से। दूसरे एरिया सुरक्षित हैं, वहां कोई अपराध नहीं होता, कोई खून खराबा नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये सुरक्षित है। गुस्सा आता होगा ना कि आपके पास इतनी सुरक्षित जगह है, और लोग उल्टा सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फोटो
तो आपको कभी किसी से कोई धमकी नहीं मिली, क्योंकि आपके पास तो वेस्टर्नर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं? नहीं, बल्कि वो हम पर निर्भर हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो उन्होंने केबल टीवी शुरू कर दिया है, मुल्ला भी उसे देखते हैं। तो तरक्की भी हो रही है? तरक्की तो हो रही है, बिल्कुल, मुल्ला भी बदल रहा है। और सबसे जरूरी बात याद रहे कि वो बात क्या थी जिसने इस इलाके को धरती की एक बेजोड़ जगह में बदल दिया। मेरी मूवमेंट्स हमेशा नखरों से भरी होती हैं। मैं बहुत भारी हूं, तो हम यहां हिमालय की किसी एक पहाड़ी पर हैं और मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूं, बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेने में। एक्सक्यूज मी, यहां ऊंचाई कितनी है? 4,800 मीटर। 4,800 मीटर? हाँ, ये तो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट ब्लॉक की ऊंचाई जितनी है, 4,800 मीटर। तुम सबसे ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? 8,000 मीटर। 8,000 मीटर? जी। ओह, 8,000? बाप रे। तो दोस्तों, ये हैं हाइट के पोर्टर्स, गाइड्स। पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्र में बदकिस्मती से इन पिछले कुछ सालों में इन्हें टूरिस्ट के साथ ज्यादा किस्मत आजमाने का मौका नहीं मिला। तो 9/11 से पहले काफी टूरिस्ट आते होंगे ना? हाँ, काफी आते थे, काफी टूरिस्ट है जी। पर इतनी ऊपर चढ़ने की, इतने सालों की, इतनी लंबी ट्रेनिंग के बावजूद तुम्हें गुस्सा नहीं आता है कि टूरिस्ट अब यहाँ नहीं आते, तुम्हारे पास काम नहीं है? हाँ, पहले हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर हम अच्छे गाइड और माउंटेनियर बनने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, लेकिन 9/11 के बाद से टूरिस्ट रेशियो बहुत कम हो गया है। कम हो गया और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं है और हमें चिंता होती है भविष्य की। हे, तुमने मुझे सिखाया, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। वाकई बहुत खूबसूरत है ये। कितना ऊंचा पहाड़ है, कितनी खूबसूरती है यहाँ, बर्फ है। काश काश यहाँ और लोग आ पाते। हाँ, आते रहते तो अच्छा था। उम्मीद तो है। ओके दोस्तों, अब मेरी पाकिस्तान यात्रा यहीं खत्म होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं ज्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा और अगली मुलाकात होगी जल्दी किसी दूसरे देश में। तो अब हमें नीचे उतरना होगा। Thank you very much. Thank you for your time.